ये एक एल्युमिनियम का फ्लावर पॉट है पुराना, जिसको कि बीच में से एक जॉइनिंग था वो निकल गया है, तो इसके दो पार्ट्स हो चुके हैं और इसमें काफ़ी डेंट्स पड़ गए हैं। तो सबसे पहले मैं इसको हथौड़ा मार के ठीक कर दूँगी। और इसमें बीच में एक पत्थर जैसी चीज़ है, वो शायद सैंड और सीमेंट का कुछ बना हुआ है, जिससे कि फ्लावर पॉट में वज़न रहता है तो वो गिरता नहीं है, तो वो भी निकल चुका है, तो उसे भी चिपकाना है। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे डेंट्स सारे निकाल दिए हैं, और सेकेंड स्टेप में मैंने यहाँ पे POP लिया है और उसमें थोड़ा फेविकॉल मिक्स करके एक पेस्ट बनाया है। इसी से मैं उस पत्थर को चिपकाऊँगी, तो उस POP के पेस्ट को मैं इसमें अंदर डाल दूँगी और फिर उस पत्थर को इस पर रख दूँगी। इसको मैं थोड़ा घुमा रही हूँ ताकि जो POP का पेस्ट है वो अंदर थोड़ा स्प्रेड हो जाए, और फिर इसके ऊपर भी एक POP का लेयर लगा दूँगी ताकि ये अच्छे से चिपक जाए और निकले नहीं। जो ऊपर डालने के लिए पेस्ट बनाया है POP का, वो थोड़ा मैंने पतला घोल बनाया हुआ है इसका। ये डालने के बाद इसे अच्छे से सूखने देना है। सूखने के बाद इसका नेक्स्ट स्टेप करेंगे। देखिए ये सूख चुका है, तो अब इन दोनों पीसेस को आपस में चिपकाना है। तो इसके लिए मेरे पास तो कोई सॉल्यूशन तो नहीं था, तो मैंने यहाँ पे MCL यूज़ किया है। इस तरह से दोनों पीसेस को जोड़ने के बाद मैं इस पे MCL लगा दूंगी। जितने भी अंदर गैप होगी उसके अंदर MCL अच्छे से डाल देना है, इस तरह से। और जो बाकी का MCL बचा है उससे मैं यहाँ पे एक डिज़ाइन बना दूंगी। ये देखिए कुछ इस तरह से, और जो थोड़ा एक्स्ट्रा बचा था मैंने ऊपर की तरफ लगा दिया है, और यहाँ पे मैं एक स्लाइट डिज़ाइन सा दे रही हूँ। अब इसे सूखने देना है, और सूखने के बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो यहाँ पे मैं ऑयल पेंट कलर ले रही हूँ, एशियन पेंट्स का ब्लैक कलर है, तो इससे मैं ये फ्लावर पॉट पे कलर कर दूँगी। तो मैं यहाँ पहले फर्स्ट कोट दे रही हूँ।
अच्छे से सभी जगह ऑयल पेंट करने के बाद इसे 24 आवर्स सुखाना है और सूखने के बाद ये कुछ ऐसे दिखता है। अब मैं इसमें एक और कोट दे दूंगी ब्लैक कलर का और ये सेकेंड कोट के बाद ही कुछ ऐसे दिखता है। तो देखिए इसका पूरा लुक चेंज हो गया है। ये इसको ऐसे भी रखा जा सकता है, ये ऐसे ही अच्छा दिख रहा है, लेकिन मुझे इसको एक कॉपर का एंटिक लुक देना है तो इसके लिए मैं यहाँ पे इस पर कॉपर कलर करूँगी। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक्रेलिक कलर्स का कॉपर कलर लिया है, मेटालिक वाला। बस तो उंगली की हेल्प से पूरे फ्लावर पॉट पे मैं एक कॉपर का एक लुक दे दूंगी। इस एंटिक लुक देना है तो थोड़ा बैकग्राउंड में ब्लैक कलर रहना ज़रूरी है। बस तो ये सभी जगह कॉपर का कलर दे दिया है और बस इसे फर्स्ट कोट ही देना है। तो ये देखिए इस तरह से दिखता है। इसी तरह से हम कोई भी पुरानी चीज़ को एक नया लुक देके इस्तेमाल कर सकते हैं।